वहीं दूसरी ओर भाजपा महिला मोर्चा ने दुर्ग विधायक वोरा के निवास पहुंच किया प्रदर्शन, साथ ही शराब बंदी की मांग को लेकर मांगा आश्वासन। दुर्ग भाजपा की महिला मोर्चा की महिलाओं द्वारा सोमवार को दुर्ग विधायक अरुण वोरा के निवास पर जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी महिला मोर्चा के साथ पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर शराबबंदी की मांग लिए भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं के साथ विधायक अरुण वोरा ने चर्चा की, साथ ही उन्हें सभी को चाय व मिठाई का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर गुस्साए भाजपाइयों ने जमकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस संबंध में शहर विधायक अरुण वोरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है, हमने 4 साल में वो सब काम कर दिया जो वे अपने 15 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। इसी संबंध में भाजपा की महिला पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी है। जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है, और जब मुद्दा ही नहीं है, कोई मांग ही नहीं, सारे काम प्रदेश की सरकार अच्छा कर रही है। प्रदेश के मुखिया को लगातार 2 बार नंबर 1 मुख्यमंत्री का सुझाव मिला है, और आज किसान से लेकर युवा, युवा से लेकर महिला, और महिला से लेकर आम आदमी तक सरकार की योजना से संतुष्ट है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी किस बात को लेकर असंतुष्टता व्यक्त कर रही है, यह लोगों के समस्या पर है। आज इन्होंने जो प्रदर्शन किया है, सारे कार्य को कांग्रेस पार्टी ने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में पूरा कर दिया। 15 साल तक जो कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी, उस कार्य को 4 साल में करके आज राम राज स्थापित किया है। मैं भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। जैसे इसकी सरकार लबरा, वैसे यहाँ के विधायक भी लबरा। आप भी यहीं के निवासी हो भाई हो, और हम लोग भी जाके देखो रोड की दुर्दशा क्या है। गाय बैठे रहती हैं, धूल तो गुब्बारे जैसे उड़ रही है, बहुत बेकार स्थिति है। पहली सरकार है और पहला विधायक है जो इसकी कार्यकाल में ये स्थिति है। खासकर यहाँ तो महिलाएं तो छोड़ो, छोटी बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। और हम लोग महिला मोर्चा के तरफ से यहाँ मांग करने आए कि दारू भट्टी पुनः बंद होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि हम अभी वर्तमान में मुखिया वही हैं, हमारी दुर्ग शहर के विधायक हैं। तो कहावत है ना, घर में जैसे मुखिया रहते हैं तो अपने मुखिया के पास बात रखते हैं। तो हम महिला बहनें सभी लोग तय किए हैं कि कम से कम यहाँ के जो विधायक हैं उससे अपना बात रखें और निवेदन करें कि यहाँ शराबबंदी पूर्णतः बंद होना चाहिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन बोलते हैं कि होगा, विचार करवाएंगे, होगा, करेंगे। 4 साल निकल गई है, 6 महीने में क्या 1 साल बचा, क्या परिणाम देखने को मिला? अब वही है कि हम महिलाओं को ठग के, झूठ बोल के इन लोग सत्ता हासिल किए हैं। तो हम महिला मोर्चा के बहने पूरे प्रदेश में थाना है कि ऐसे लबरा झूठा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे आने वाला 2023। हमें झूठ बोलना है जी, जब वादा किए शराबबंदी का तो नहीं किए, तो अब झूठ क्यों बोल रहे हैं? गंगा जल से किसान के लिए नहीं, शराब के लिए उन्होंने कसम खाई। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, और इधर विपक्षी दल लगातार हमला बोल रहे हैं। देखना होगा कि विपक्षी पार्टी द्वारा किए जा रहे हमलों का असर आने वाले चुनाव में किस तरह से पड़ेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।